देश में सत्ता संग्राम ने जोर पकड़ लिया है और नामांकन का दौर भी जारी है। देश की जनता की क्या है राय? क्या जनता महागठबंधन को दिल्ली पहुंचाएगी या फिर बीजेपी को बहुमत पार कराएगी? इसका तो 23 मई को नतीजे आने पर ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उम्मीदवारों ने जीत का डंका बजाने के लिए जी जान से तैयारी करने के साथ साथ एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। अगर बात की जाए हरियाणा की, तो यहाँ पर करनाल पानीपत सीट पर बसपा लोसपा ने पंकज चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है और जीत को लेकर हामी भरी है। आपको बता दें कि पार्टी ने आज करनाल स्थित पुरानी सब्जी मंडी में एक संयुक्त जनसभा की, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब जनसभा के बारे में लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। और आपकी बार जो गठबंधन की सरकार है, पूरे देश में गठबंधन की लहर चल चुकी है, जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य सभी स्टेटों में और हरियाणा में भी LSP BSP का जो गठबंधन है, ये निश्चित तौर पर कामयाब होगा, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है ये पंकज चौधरी रोड जी, ये बहुत ईमानदार, सूझवान और ऊर्जावान नौजवान साथी है, सभी को साथ लेकर चलने वाला साथी है। जब गठबंधन नहीं था तब भी ये लोग चुनाव में थे और तब इन्होंने क्या किया था और गठबंधन करके अब क्या खास कर रहे हैं? ऐसा है, जब गठबंधन नहीं था, हमारी बहुजन समाज पार्टी अपनी जोर शोर से, मतलब पूरी तैयारी में 5 साल तक पूरी मेहनत करती है। हम सक्षम थे, हमें कोई किसी प्रकार का कोई उद्यम, आज भी सक्षम है, पहले भी सक्षम थे। और मोस्ट वेलकम, जो भी साथी हमारे साथ गठबंधन करना चाहता है उनका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी सक्षम थी तो गठबंधन की जरूरत ही क्यों आई? ऐसा है, जब जो कोई साथी परिवार में जुड़ना चाहता है, परिवार बढ़ता है, हम उसमें क्या बुराई है? तो अगर कोई साथी परिवार में जुड़ना चाहता है तो वो बसपा के होकर जुड़ सकता है, लेकिन गठबंधन क्यों ही चुना? ये कोई जरूरी नहीं है, भाईचारा तो बनानी पड़ता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है भाई पार्टी से भी। ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम भी 16 पार्टियों से, 43 पार्टियों से समझौता करती है, उन्होंने सारी पार्टी बीजेपी बना ली, उनकी भी तो अलग अलग पार्टी है। इस बार आपका यही राय है कि बीजेपी हारेगी और चुनाव में गठबंधन जीतेगा? निश्चित तौर पर। ऐसा है, जो ये मीडिया है, मीडिया पर मोदी मोदी है, वरना जमीन के ऊपर तो गठबंधन ही है। अब की बार जनता इनको पूरा सबक सिखाएगी। बाकी यहाँ लोगों का कहना है कि गठबंधन इस बार रंग लाएगा, अब रिजल्ट ही बताएंगे वाकई गठबंधन रंग लाएगा या फिर मोदी फिर से आएगा। मैं उषा टकान, हल्का अध्यक्ष इसराणा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, राजकुमार सैनी की पार्टी से मैं इसराणा हल्के की महिला अध्यक्ष बनाई गई हूँ, जो अपने पद की गरिमा को देखते हुए बखूबी निभा रही हूँ। और मैं भाई पंकज, जो हमारा LSP और BSP का गठबंधन है, उसको मजबूती देने के लिए मैं भाई पंकज चौधरी की साथ हूँ, तहे दिल से हूँ, दिलो जान से हूँ, और अपना पूरा समर्थन उनको देती हूँ, गाड़ियों से, पैसे से, जितना भी मेरे से बन सकेगा। और मेरी ये आशा और उम्मीद है, मुझे है पक्का पता है कि भाई पंकज चौधरी यहाँ से जीतेंगे करनाल लोकसभा से। क्यों? क्योंकि उनके साथ SC समाज के लोग भी और BC समाज के लोग भी और अन्य समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं और उनको चाहते हैं सभी। इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव में? उनका मुद्दा यही है कि अपने सबको भाईचारे की भावना से लेकर चलना, किसी भेद भावना को ना करना, जैसे SC और BC हैं उनको एक साथ लेकर चलना। कहीं ना कहीं और पार्टियों ने SC या BC को पिछड़ा हुआ समझकर पीछे धकेला है, और ये जो बहन मायावती हैं और राजकुमार सैनी हैं, इन ये दोनों का एक ही मकसद है कि सभी समाज को एक नज़र से देखना, एक साथ लेकर चलना, किसी को पीछे नहीं धकेलना। सुवर्णों के लिए जितना विकास उन्होंने अब तक किया, वो वाकई में जमीन पर उतरता हुआ दिखा? देखो, इतना तो मुझे पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन मतलब आपने जैसे कहा कि वो स्वर्णों के विकास को ध्यान में रख के चलते हैं, तो इस बार क्या आपको उम्मीद है, क्या इस बार भी वो स्वर्णों के विकास को ध्यान में रखेंगे या सिर्फ अपनी गठबंधन के ही विकास को ध्यान में रखेंगे? नहीं नहीं, वो गठबंधन को विकास में ध्यान ना रखते हुए वो सभी समाज को साथ लेकर चलेंगे। वो सबका विकास की भावना है, उनकी भावना, वो बहुत अच्छे सुझे हुए समझदार नेता हैं, उनके मन में किसी के प्रति कोई मलिन नहीं है,
और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जिस तरह और पार्टियों ने सिर्फ राजनीति की सत्ता खेल ली है, उनका मेन मकसद ये नहीं है। उनका मेन मकसद ये है कि हम देश भावना, प्रेम भावना की, जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं राजनीति खेल रहे हैं लोग, कुछ लोग सभी पार्टियों में आज समाज की सेवा ना करके सिर्फ राजनीति की चर्चा चलती है। हम जानेंगे कि अब तक युवाओं के लिए क्या विकास हुआ, और अगर गठबंधन बनता है तो क्या विकास की उम्मीद करते हैं वो युवाओं के लिए स्पेशल। देखिएगा, सबसे पहले तो कोई भी सरकार आती है ना, वो युवाओं के बारे में कुछ नहीं करती है मैम। तो पहले अगर देश का भविष्य देखे जाए तो युवाओं के ऊपर डिपेंड करता है देश का भविष्य कैसे होता है। अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो वो अपने पद से भटकेंगे नहीं। जैसे भी आज इतना क्राइम बढ़ रहा है, रेपिस्ट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, तो सबका एक ही प्रॉब्लम है, उनके पीछे एक कारण है, उनका रीजन है ये कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है। अगर युवाओं के पास रोजगार है तो वो अपने काम धंधे में व्यस्त रहेंगे, और जिसके उनसे ही सरकार को बेनिफिट होगा। क्योंकि आजकल हम देखते हैं सरकार आती बाद में है, और पहले आते ही बस गली का विकास, सड़कों का विकास, ये विकास, अरे ये तो होता रहेगा, सदियों से चलता आ रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है यही हो रहा है। उसके अंदर 1947 से जितने भी राजनीतिक पार्टियां बनती हैं बस यही मुद्दे लेकर, तो अपने मुद्दों के अंदर युवाओं के लिए बात क्यों नहीं लेके आते। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, तो आप देख ही रहे हो देश के अंदर कितने % रोजगार मिले हैं। और हमारे पंकज चौधरी जी का एक मुद्दा है युवाओं को रोजगार, क्योंकि वो युवा साथी हैं और युवाओं की प्रॉब्लम को खुद समझ सकते हैं। ये युवाओं का विश्वास है पंकज चौधरी जी भी कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जरूर युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा, ये उनकी उम्मीद पर खरे उतरते हैं कि नहीं, ये तो उनका आने वाला रिजल्ट ही तय करेगा। आपको बता दें कि ये जनसभा आयोजित तो की गई थी उम्मीदवार पंकज चौधरी के लिए, लेकिन समय रहते पंकज चौधरी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसके चलते कार्यकर्ता काफी लंबे समय तक उनका इंतजार करते रहे। We'll be right back.